तो अगर बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना कर इन सभी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बिजनेस में घाटा या बिजनेस में नुकसान, क्या महा उपाय इसके लिए? आज भगवान शिव तो ऑर्डर रानी है ही, धन संपदा इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने तो सोने की लंका रावण को दे दी, तो अपने भक्तों को ये क्या नहीं दे सकते हैं? भाई, कारोबार में अगर आपको नुकसान लग रहा है, चाहे वो आपकी कम समझ से, चाहे आपके जल्दबाजी से, और चाहे आपके बिना विवेकपूर्ण निर्णय के कारण अगर आपको घाटा हो रहा है, विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंपटीशन की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, दुकान में बिक्री कम हो गई है, ग्राहक आते हैं अनमने मन से दुकान में खड़े होकर निकल कर वापस चले जाते हैं, आप नुकसान झेल रहे हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर, जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय विराजमान हो, उस तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाइए, 27 बेलपत्र की माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करिए और चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का कम से कम 24 माला जप करिए। अगर 24 माला नहीं जप कर सकते हैं तो 5 माला जप जरूर करें। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज के दिन अगर भगवान सदाशिव को आप समर्पित हो करके उनकी शरणागति प्राप्त कर लेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि संसार रूपी दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।